दोस्तों, आज हम मिट्टी के बर्तन वाले के यहाँ आए हैं और यहाँ पे ये देखो कलाड़ी है, उसमें हम बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी बना सकते हैं। यहाँ पे ये सब विंड चाइम है, विंड चाइम जो मिट्टी से ही बनी है। मिट्टी में आज मिट्टी के बर्तनों में बहुत प्रगति की है, इतनी सारी चीज़ें वैरायटी मिलती है। ये छोटे छोटे दीपक चलाने के लिए आप देख सकते हो, इतना बढ़िया। और ये सब विंड चाइम, उत्कृष्ट नमूने हैं। ये सब दिया रखने के लिए इतने सारे बर्तन। अब समर नज़दीक है तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, तो हमको पानी की व्यवस्था, ये वाइट माटी के मटके, ये सब पेड़ पौधे के लिए अलग अलग टाइप के मटके आजकल ये लोग सिरेमिक भी बेचने लगे हैं बीच बीच में, क्योंकि जो डिमांड है ऐसे ही ये लोग भी चेंज होते हैं। आप देख सकते हो ये मटके के ऊपर इतने सारे पेंटिंग, अट्रैक्टिव, आपका किचन जितना मल्टी कलर है टाइल्स वगैरह से, ऐसे ही मटकी आती है। अभी लोग देसी किचन की ओर भी जा रहे हैं, तो ये लोगों ने चूल्हा भी देना शुरू कर दिया। ये चूल्हा मैंने ख़रीदा, मैं मेरे फार्म हाउस में रखूंगी। और ये पत्रे का चूल्हा, ये सिकड़ी आप देख सकते हो, वो भी मैं लेके गई हूँ। लोग फार्म हाउस में ये सिकड़ी वगैरह रखते हैं। इतने सारे सिरेमिक के छोटे मोटे पॉट है, बड़े बड़े आरसीसी के पॉट है। और ये मिट्टी का चूल्हा है, तो अलग अलग टाइप का लोग पानी गर्म करने के लिए भी ले जाते हैं। और जहाँ पे उनका कोई खुली जगह हो तो वहाँ पे ये चूल्हे रख के हम फिर से गांव की ओर जा रहे हैं। ये भैया है और वो ये सब बेचते हैं। भैया, भैया आपका नाम क्या है? भरत भाई। भरत भाई, आप क्या क्या बेचते हो? मटका, कुंडे सब बेचता हूँ। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे खड़े हो? ये कौन सा एरिया में खड़े हो? 15 साल से। कहाँ पे खड़े हो? मुनि आश्रम चौकड़ी पे। तो ये साणंद वीरम गांव वाला रोड है। और ज्यादा क्या डिमांड होती है लोगों की, क्या मांगते हैं लोग? मटका सब ले जाते हैं। अभी अभी गर्मी आ रही है, सब मटके, तो ये व्हाइट मिट्टी वाला जो मटका है उस वो क्या है? बहुत ठंडा पानी होता है, पानी ठंडा राजस्थान का आता है। ओके। और ये पंछी के घोंसले है प्लास्टिक के, मिट्टी के भी आते होंगे ना घोंसले? अच्छा। और आपका नाम क्या बताया? भरत भाई प्रजापति। भरत भाई प्रजापति, तो भरत भाई प्रजापति बहुत सारी चीजें बेचते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ आके खरीद सकते हो काफ़ी चीज़ें। तो एक नई चीज़ से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, अनिला शाह फ्रॉम यूट्यूब ट्रैवल एंड ट्रिप, थैंक यू। ये सब कांच के खिलौने शोकेस के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे बच्चे को खेलने के लिए मटका, बच्चे की पिगी बैंक, इतने सारे पंछी के घोंसले, गैस का सिलेंडर, ये नहाने के लिए स्क्रब, ये चुंगी, दादा की चुंगी, और ये कलाड़ी, कावड़ी मिट्टी की जो रोटला बनाते हैं, ये सब खाना पकाने के बर्तन, ये दही की हड्डी, हंडी, दही की हंडी, और ये मटके, इतने सारे बच्चे की पिगी बैंक,
तो आप भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूर एक बार मुलाकात लीजिएगा, बहुत सारी वैरायटी है उनके पास। मज़ा आ गई मुझे तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ली उनसे। ये क्या है ये जग है पानी पीने, बताओ खोल के। भरत भाई अपन को दिखा रहे जग है पानी का, ठंडा रहता है इसमें कितना घंटा? 5 लीटर। हाँ देखो ये थर्मोस टाइप है, वो कितने टाइम रहता है उसमें ठंडा? गिर ना जाए तो तब तक। हाँ अच्छा चलो ओके भरत भाई थैंक यू। तो ये दही जमाने के बर्तन में ले रही हूँ, और ये सब्जी निकालने के लिए है, ये सब सब्जी और खिचड़ी बनाने के लिए बर्तन है। तो इसमें भी आजकल आधुनिक युग की थोड़ी झलक देखते हुए, लेकिन हम अभी भी गांव की ओर जा रहे, हमको अभी भी गांव की चीज़ें पसंद है। ये बच्चे के पूरे किचन सेट है, ये कपड़ा का भी सेट है, ये चलम है गांजा पीने के लिए, अभी तो पीता नहीं है ऐसे ही रखा है। चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।